हेलो स्टूडेंट्स, मैं तमन्ना टारगेट गुरुकुल से, और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स का सिलेबस जो कि बीए फर्स्ट ईयर में है और जिनका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो आज मैं आपसे आपके इंग्लिश का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जो इंग्लिश होता है ये यहाँ पे आके टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक है पोइट्री और दूसरा है प्रोज। तो आज मैं आपसे प्रोज का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जो प्रोज है इसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज जो है वो देखने को मिलेंगे और आपको वही आपके सिलेबस में पढ़ना है। आपके सिलेबस में टोटल 10 शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि आपको पढ़नी है। शॉर्ट स्टोरीज, देखिए, जो स्टोरी होती है वो भी टू टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट स्टोरी और दूसरी होती है लॉन्ग स्टोरी। तो जो लॉन्ग स्टोरीज होती है इसमें हमें मोर देन टू करेक्टर्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि नॉवेल, लाइक एज नॉवेल, जो नॉवेल होती है वो एक लॉन्ग स्टोरीज है जिसमें हमें मोर देन टू करेक्टर्स मिलेंगे और ये काफ़ी सारे पेजेस में होती है, मतलब ये स्टोरी काफ़ी लंबी स्टोरी होती है, तो उसे हम शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी बोलते हैं जो काफ़ी लंबी होती है। और शॉर्ट स्टोरीज वो होती हैं जो कि मतलब जिनमें टू करेक्टर के अंदर होते हैं या फिर जिनमें कम करेक्टर्स होते हैं वो होती है शॉर्ट स्टोरीज, और ये कम पेजेस में कवर हो जाती हैं। तो ये होती है शॉर्ट स्टोरीज। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस है इसमें टोटल आपके सिलेबस में 10 शॉर्ट स्टोरीज है जो कि आपको पढ़नी है। तो जो आपकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है वो है द अम्ब्रेला, इसे गाय द मोपसट ने लिखा है, और ये जो स्टोरी है ये हस्बैंड एंड वाइफ की स्टोरी है और ये अम्ब्रेला पे है जो कि बेस्ड होती है। इससे जो आपका पेपर होगा बीए फर्स्ट ईयर का, मतलब इससे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आप ये स्टोरी, आपको ये भी पढ़नी होगी। और फिर जो हमारी सेकंड स्टोरी, जो सेकंड हमारी शॉर्ट स्टोरी है द लैमेंट, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी में हमें सैडनेस और होप देखने को मिलती है। ये जो स्टोरी है इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम आयोना होता है, ये एक कैब ड्राइवर होता है और इसे ये बुड्ढा हो चुका होता है और इसके इसका जो बेटा होता है उसकी डेथ हो गई होती है, वो उसी सैडनेस में रहता है, वो चाहता है कि अपनी बात वो किसी को बताए, किसी से कहे, बट उसे कोई मिलता ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसे लोगों से होप होती है जो कि स्टोरी की लास्ट हो जाती है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है, बट उसे उसकी सैडनेस दूर करने वाला कोई नहीं मिलता, वो उसकी होप ख़त्म हो जाती है लोगों से। फिर जो हमारी सेकेंड स्टोरी है द लास्ट लीफ, ये इसमें दो बेस्ट फ्रेंड होती हैं और ये मतलब वो दोनों आर्टिस्ट होती हैं, इसमें उसी की बात है और इस स्टोरी में हमें द मास्टरपीस, जो मास्टरपीस होता है वो देखने को मिलता है। ये भी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसे ओ हेनरी ने लिखा है। और फिर जो हमारी सेकेंड स्टोरी आती है उसका नाम है द फ्लाई, इसका जो टाइटल है वो है द फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी, मक्खी होता है फ्लाई का मतलब। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, इसमें हमें पता चलता है, इसमें मतलब इंसान और गॉड को रिलेट किया गया है। इसमें एक फ्लाई होती है और इसका एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बॉस, और वो उस फ्लाई को मतलब मार देता है उसी तरह, मतलब उसी से रिलेट करके राइटर ने इतने अच्छे से लिखा कि देखिए जो बॉस होता है वो फ्लाई को मार देता है, तो उसी से उसने रिलेट किया, जो गॉड गॉड है और हम जो इंसान हैं वो फ्लाई है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम गॉड के आगे लाचार होते हैं, बेबस होते हैं। यही स्टोरी में दिखाया गया है कि मतलब जो फ्लाई है वो ह्यूमंस है और जो बॉस है वो गॉड है, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इस स्टोरी से आपके जो आपका एग्ज़ाम होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें क्वेश्चन फंसते हैं, एक दो क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से ज़रूर आपके। और फिर जो हमारा सेकंड, इसके बाद की जो हमारी स्टोरी आती है अ रोज फॉर एमली, इसका टाइटल है अ रोज फॉर एमली, और ये बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके मतलब जब आपका एग्ज़ाम होगा तो दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, मतलब ये जो शॉर्ट स्टोरी है इससे दो तीन क्वेश्चन आपके सिलेबस में जब आपका एग्ज़ाम होता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तो उसमें पूछा जाता है। इसका टाइटल है अ रोज फॉर एमली और इसके जो राइटर हैं वो हैं मतलब विलियम फॉल्कनर उनका नाम है, ये एक अमेरिकन राइटर है। इसमें दिया इसका जो टाइटल है अ रोज फॉर एमली, इसमें इसका टाइटल तो है बट इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में जो एमली होती है इसकी मेन कैरेक्टर, उसको पूरी स्टोरी में रोज़ नहीं मिलता है, बट ये जो इसका टाइटल है, ये जो इसके राइटर है वो एज अ रिस्पेक्ट, मतलब एमली के लिए उनका इतना रिस्पेक्ट होता है कि वो इसका टाइटल ही रखते हैं अ रोज़ फॉर एमली। ये हमारी स्टोरी।
और इसके बाद जो हमारी स्टोरी आती है उसका टाइटल है द लैंचियो, मतलब तो जी जो द लैंचियो है, लैंचियो का मतलब होता है जो दोपहर के टाइम का खाना होता है उसी उसी का ये टाइटल है, लैंचियो उसी को बोलते हैं, मतलब जो खाने का टाइम का जो होता है उसी पे ये बेस्ड है। इसमें एक राइटर होता है और एक लेडी होती है, ये भी मतलब लंच पे बेस्ड स्टोरी है, ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। ये पढ़ेंगे तो इसमें हमें सटायर और ह्यूमर देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी फनी स्टोरी है। फिर इसके बाद में हमारी दूसरी स्टोरी आती है जिसका टाइटल है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसके जो राइटर हैं वो ईस्टन हेमिंग्वे हैं और द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इस स्टोरी का टाइटल है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका टाइटल तो है बट एज यू नो दैट देयर इज़ अ नो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का कोई कैपिटल ही नहीं, बट इसका जो टाइटल है वो है, इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है पैको और इस पूरे स्टोरी में हमें इल्यूजन देखने को मिलता है जो कि इसके मेन कैरेक्टर को जो पैको है उससे होता है इल्यूजन। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो है द बर्बर्स ट्रेड यूनियन। इसका जो टाइटल है द बर्बर्स ट्रेड यूनियन, बार्बर मतलब क्या होता है जो नाई होता है उसका, उसी इसी जो नाई है इसी का एक बेटा होता है जिसका नाम चंदू होता है और उस छोटे से बच्चे में इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है और इसे एक इंडियन राइटर ने लिखा है जिनका नाम है मुल्कराज आनंद और ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पोएम वगैरह बहुत कुछ लिखा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है इससे भी हमें एक दो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टोरी आती है वो है गेम्स एट ट्वाइलाइट। इसे भी एक इंडियन राइटर ने ही लिखा है जिनका नाम अनीता देसाई है और ये इसका जो टाइटल है गेम्स एट ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मीन्स होता है जब सूरज चला जाता है, जब शाम आती है, शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है उसे ट्वाइलाइट बोलते हैं। ये भी एक बच्चों की स्टोरी है और ये शाम के टाइम पे बेस्ड है। इसमें भी एक बच्चा होता है जिसकी जो इच्छा होती है, मतलब उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जो उसकी इच्छा होती है टू विन की, तो इसमें हमें टू विन के बारे में दिखाया गया है। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। अब इसकी बस ये जो मैंने आपसे जितना भी सिलेबस था वो मैंने डिस्कस कर दिया, बस आपका इतना ही सिलेबस है। आपके सिलेबस में टोटल 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि आपको पढ़नी है आपके पूरे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं से आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये जो सारे मैंने आपको आपकी स्टोरीज़ बताई हैं, इन सारी स्टोरीज़ का प्रॉपर वीडियो जो आपको हमारे दूसरे चैनल लखनऊ गुरुकुल पे देखने को मिलेगा और लखनऊ गुरुकुल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद टारगेट गुरुकुल।